एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ अर्जुन, मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले की बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है, तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहाँ से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी,
फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा, भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है, कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ, कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं, लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गयी तो मेरे किए कराए पर पानी भर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं, और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन, बात असल में ये है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, देखो वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है, मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती, आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं, आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गाँव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया।
एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली, अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकाल कर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना, इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया।
यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया, मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता, तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है।